हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थाट्स आपके लिए क्या हैं। सो एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस। सबसे पहले मैं एनर्जी ऑरेकल डेक से देखूँगी एनर्जीज कुछ, एंड देन से आपके पार्टनर के, फिर हम करंट फीलिंग्स, इमोशंस देखेंगे उनके। यहाँ से कुछ एनर्जीज मैं देखना चाहूँगी सबसे पहले। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, कम्युनिटी, द थिंकिंग वुमेन। गाइस, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद आप दोनों के बीच में ना फैमिली और सोसाइटी इशू है, और ये आते हैं कास्ट या रिलीजन के उससे, फैमिली का, सोसाइटी का इशू कास्ट रिलीजन से आ सकता है, या आप में से कोई एक मैरिड है और एक अनमैरिड है, या कोई एक डिवोर्सी है, तो ऐसी सिचुएशंस में भी सोसाइटी इश्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे इश्यूज दिखाई देते हैं जिसके चलते आई फील कि आपके जो पार्टनर है स्ट्रांगली इस कनेक्शन के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, या इस कनेक्शन को बहुत छुपा छुपा करके वो रखते हैं। जितना स्ट्रांगली स्टैंड लेना चाहिए उतना नहीं लेते हैं, या उतना जितना कि करना चाहिए उतना नहीं कर पाते आई थिंक इस कनेक्शन के लिए। प्यार ये करते हैं, नो डाउट फीलिंग्स है, लेकिन हिम्मत नहीं है, यू नो, फाइट करने की हिम्मत नहीं है, स्टैंड लेने की। जब ऐसी बात आती है तो एक सोच में ये पड़ जाते हैं, एक सोच में डूब जाते हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इश्यूज़ तो हैं इन एनर्जीज़ में, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इश्यूज़ हैं डेफिनेटली, जिसमें फैमिली भी अगेंस्ट होगी, एंड ऑफकोर्स उसको, यू नो, बाकी की जो सोसाइटी है वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो भी बहुत कुछ बोलेगी। तो ये डर है किसी तरीके के मन में, ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर। सो कल्चर हो सकता है अलग हो आप दोनों का, बहुत ज़्यादा अलग हो। फीलिंग्स, इमोशंस की अगर बात करूँ तो वो तो हैं, क्योंकि यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी है। प्यार ये शख्स आपसे करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, देखो अटैचमेंट भी उनको बहुत है और ये आपसे प्यार भी करते हैं और आपके लिए इमोशनल भी हैं। लेकिन बात आ जाती है यहाँ पर इन चैलेंजेस की, इन इश्यूज़ की, जो कि आपके रिश्ते में, जो कि इनको एक सोच में डाल देते हैं, जहाँ ये समझ नहीं पाते कि मैं एग्जैक्टली क्या करूँ या मुझे क्या करना चाहिए। बहुत कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर, ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर। और हो सकता है ये प्रॉब्लम्स आपको भी दिखाई दे रही हैं, आपको भी पता है कि हाँ ये सारी दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी होप्स रखी हुई हैं। आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या वो सोच रहे हैं, तो चलिए वो देख लेते हैं। लेट्स सी।
क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, आपके लिए फीलिंग इमोशन थॉट्स क्या हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें हमारे व्यूवर्स उनके पार्टनर की इमोशंस फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूवर्स के बारे में। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वंड्स, पेज ऑफ वंड्स। गाइस ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत करते हैं, बट अभी बहुत ज़्यादा तो ये मूड स्विंग से गुजर रहे हैं, ठीक है, इनको मूड स्विंग्स हो रहे हैं। मैं क्लियरली यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, बहुत हैं, प्यार करते हैं आपसे, एंड अट्रैक्शन भी है आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग। बट देखो अट्रैक्शन एक अलग चीज़ है, यहाँ पर प्यार है, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ। मूड स्विंग से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं, उनको चैन नहीं पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा बेचैन है, वो परेशान है, एक जगह पर टिक नहीं पा रहे हैं, हर्ट भी हैं वो, ये भी मुझे दिखाई देता है। आपको खोने से भी वो डरते हैं, क्योंकि वो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में रहो, क्योंकि आप उनकी हैप्पीनेस हो, ओके। एंड यू नो आपका नेचर इस तरीके का है कि आप खुद भी हैप्पी रहते हो और साथ वाले को भी हैप्पी रखते हो, टॉक्सिक नहीं हो आप। वो यू नो ड्रामा करते ना कुछ लोग, वैसे ड्रामेबाज नहीं हो और ना ही आप टॉक्सिक हो, तो ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है कि उनको ऐसा फील होता है कि वो आपके साथ बहुत खुश रहेंगे। बट इनको डर लगता है आपको कि खो ना दे कहीं, दिल ना टूट जाए कहीं, हार्ट ब्रेक से ये डर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि ये चाहते हैं कि आप रहो इनकी ज़िंदगी में, ओके, ये आपको अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं करना चाहते हैं, सिंपल सी चीज़ यहाँ पर यही है। हाँ ये परेशान डेफिनेटली है, रही बात फैसले की, तो फैसले पर तो ये नहीं है, क्योंकि बेचैनी है यहाँ पर, मन नहीं लग रहा किसी भी चीज़ में, दिमाग एक जगह पर नहीं है, अलग अलग तरीके के थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, तो डिसीज़न पर तो नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इच्छा इनकी ये है कि आप इनकी ज़िंदगी में रहो, ओके। इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके बिना ये नहीं रह पाएंगे करके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्स, आप सी क्वीन ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ वॉन्स, सोलमेट्स हो आप दोनों, एंड इनको एक सोल कनेक्शन फील होता है आपके साथ, एक डीप कनेक्शन, इनको आप खुद के जैसे लगते हो, यू नो अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी आप दोनों के बीच में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है किसी तरीके के थर्ड पार्टी इश्यूज भी बने हो, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई लव शव का कनेक्शन नहीं था, ये किसी तरीके की डील थी। जैसे आप अगर थर्ड पार्टी इश्यूज भी रहे ना आप दोनों के बीच में, तो आपके जो पार्टनर है उस थर्ड पार्टी से कुछ काम था इनको, ओके, मतलब रीज़न था। यहाँ पर फीलिंग्स नहीं दिखाई देते मुझे कि अगर किसी तीसरे पर्सन से ये बात भी कर रहे थे और ये बात आपको पता भी चली और इसकी वजह से इश्यूज भी हुए, सो ये कोई रोमांटिक कोई कनेक्शन नहीं था, बट ये ज़रूर था कि कुछ कुछ ना कुछ मतलब इनका मतलब था वहाँ पर,
ओके और इनको ये बहुत अच्छे से क्लियर था कि मुझे यहाँ से निकलना है, जैसे ही मुझे जो मुझे चाहिए, जो मुझे जिसके लिए मैं हूँ वो काम हुआ और यहाँ से निकलना है। ओके हो सकता है कि किसी की हेल्प कर रहे थे किसी तरीके की, बट कोई फीलिंग्स नहीं थी, जस्ट वो इंटेंशन हेल्प करने वाली थी, लेकिन वो बाहर निकल के कुछ ऐसे आई कि जैसे इन दोनों के बीच में कुछ है करके। ओके तो कुछ ऐसा भी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है यहाँ पर। लेट्स सी कि क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री चाहते हैं ये, या आपको पाना चाहते हैं हमेशा के लिए, अपना बनाना चाहते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं ये इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म लेकर के जाना चाहते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी दरार आई है आप दोनों के बीच में, उसको भरना चाहते हैं, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहते हैं। तो द लवर्स, रीयूनियन और रिकॉन्सिलेशन ये चाहते हैं। चाहे आप दोनों के बीच में इश्यूज कितने भी हो, कि ये इशू है, वो इशू है, आगे फ्यूचर में भी इशू है, लेकिन ये एक उम्मीद लेकर के चलना चाहते हैं कि जब तक उम्मीद है तब तक साथ रहना है और कोशिश करनी है कि इस कनेक्शन में विक्ट्री मिले, और ये ऑफ कोर्स इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म लेकर के जाना चाहते हैं। तो इनके इंटेंशन है कि ये इस कनेक्शन को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, ये जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है उसको भी सॉल्व करना चाहते हैं, एंड ये चाहते हैं कि हम एक साथ रहें, आगे देखेंगे जो भी होगा करके। तो इंटेंशन इनकी क्लियर है कि इनको आपके साथ रहना है, लॉन्ग टर्म आपके साथ रहना है। ओके कुछ मैसेजेस देखूंगी मैं यहाँ से आपके लिए। पैशनेट रिलेशनशिप आप दोनों का है डेफिनेटली, लॉयल्टी भी है यहाँ पर, लॉयल हैं ठीक है, बस मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हुई है आप दोनों के बीच में। सोलमेट्स जो कि मैंने अभी जिक्र किया था, आप दोनों हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकता है आप दोनों के बीच में रहती हो, कभी आप दोनों की बहुत अच्छे से बात होती है तो कभी बिल्कुल भी नहीं होती है। एक्सपेक्टेशंस, आई थिंक एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो गई थी यहाँ पर, शायद आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे और वो नहीं हो पाई पूरी, तो ना एक्सपेक्टेशंस हर्ट करती हैं हमेशा इंसान को, तो वो रही हैं बहुत ज़्यादा। फ्रस्ट्रेशन मुझे दिखाई देती है कि है आपके पार्टनर को। इंगेजमेंट हो सकता है, आप ऐसे कुछ लोगों का ऐसा भी हो कि इंगेजमेंट तक बात पहुंच गई थी लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद ये चीज़ हुई। जस्टिस कुछ लोग चाहते हैं अपने लिए, ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग जो कि मैंने कहा था कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, लेकिन कभी कभी ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग में भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देती है। फियर ऑफ रिजेक्शन है यहाँ पर। मैं यहाँ से भी कुछ मैसेजेस देखूँगी, लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ से क्या मैसेज है आपके लिए। इफ़ आई कम प्लीज़ डोंट रिजेक्ट मी, ये कह रहे हैं कि अगर ये वापस आए तो प्लीज़ रिजेक्ट मत करना, यहाँ पर फियर ऑफ रिजेक्शन आया था ऑलरेडी। आई वॉन्ट यू मैडली, ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लिटरली पागलों की तरह चाहते हैं ये कहना, ये कह रहे हैं ये। योर एटीट्यूड इज़ नॉट राइट एट ऑल, माई हार्ट ऑलवेज हर्ट। ओके सो
हो सकता है कि आप गुस्सा हो, नाराज हो, आप बात नहीं कर रहे हो, समझ नहीं रहे हो, ये समझा रहे हैं लेकिन, तो ये चीज़ इनको हर्ट कर रही है। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो तो ये भी हर्ट कर रहे हैं। यू नेवर अंडरस्टैंड मी, वाई डिड आई डू दिस एंड वाई आई एम डूइंग इट, यू नो, अगेन वही मिसअंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड चीज़ है कि कह रहे हैं कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो कि इन्होंने क्यों किया, किस लिए किया, और आई थिंक ये क्लियर कर रहे होंगे उस चीज़ को, बट शायद आप नाराज़ हो। डू यू स्टिल लव मी, पूछ रहे हैं क्या आप अभी भी इनसे प्यार करती हो या करते हो। आई लव माई फैमिली, अब कहना चाहते हैं कि अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। आई सी योर पिक्चर ऑल टाइम, ये आपकी फ़ोटोज़ सारे दिन देखते रहते हैं। एक सॉन्ग है आपके लिए नीले नीले अंबर पर, तो ये ज़रूर से सुनिएगा आप, आपके लिए इसमें मैसेज होगा। आई वॉन्ट टू किस यू, आपको किस करना चाहते हैं, और यहाँ से भी मैं कुछ दो तीन मैसेजेस देखूँगी। आई एम वेटिंग फॉर यू, या आपका इंतज़ार कर रहे हैं भाई। आई स्टिल हैव योर पिक्चर ऑन माई फ़ोन, अगेन यहाँ पर था ये रहा, आई सी योर पिक्चर ऑल टाइम, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपकी फ़ोटोज़ इनके फ़ोन में है जिसे ये देखते रहते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू, कुछ भी ये पुराना जो बीत गया उसको आपको याद नहीं दिलाना चाहते, चाहते हैं कि आप भी भूल जाओ उसको। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू, इनको ज़रूरत है आपकी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू डिज़र्व बेटर देन एनी थिंग आई कैन ऑफर, कभी कभी इनको ऐसा फील होता है कि आप कुछ बेटर डिज़र्व करते हो, ये जो आपको दे सकते हो उससे कहीं गुना ज़्यादा आप डिज़र्व करते हो। कभी कभी ये हीन भावना इनके मन में आ जाती है कि शायद मैं उतना नहीं दे पा रहा या नहीं दे पा रही उसको जो कि कोई और उसको देगा, वो प्यार, वो केयर, वो रिस्पेक्ट, तो ऐसा आ जाता है इनके मन में कई बार। मैं यहाँ से एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस लूँगी। लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स ले रही हूँ गाइस, आप कोई एक या दो मैसेज अपने लिए ले लीजिएगा, मतलब एक या दो कार्ड चूज़ कर लीजिएगा, तीनों मत चूज़ कीजिएगा, कोई एक या दो। ओके, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3, तो कोई एक या दो मैसेज आप चूज़ कीजिए अपने लिए। लेट्स सी कि एंजल्स क्या मैसेज दे रही हैं आपको। मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ, आप चूज़ कर लीजिए। सो या गाइज, अगर आपने चूज़ कर लिया है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, देन आप चूज़ कर लीजिए। लेट्स सी, जिन्होंने कार्ड नंबर 1 को चूज़ किया है, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको बात करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपकी आपके पार्टनर से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप बात कीजिए अपने पार्टनर से, क्लियर बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, अच्छे से सुनिए और अच्छे से बात कीजिए, अपनी बात भी रखिए और उनकी बात भी सुनिए। आर्गुमेंट नहीं करना, डिस्कशन करना है, बात करनी है, आराम से करनी है, प्यार से करनी है। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कंडीशंस नहीं है हमारी कि हम दोनों क्लियरली बात कर पाएँ, तो यूनिवर्स से आप क्लियरली बात करें, जो आपको चाहिए ना उस चीज़ को आप क्लियरली यूनिवर्स के सामने रखें। ओके, कार्ड नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, नो द राइट टाइम, कुछ चीज़ों के लिए अभी ये सही समय नहीं है। अगर आप कोई एक्शन लेने की भी सोच रहे हो तो आपको यहाँ पर एंजल्स कह रही है कि ये सही समय नहीं है, अभी आपको रुक जाना चाहिए, वेट करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी है जो शायद आप चाह रहे हो कि हो जाए, बट जैसे एंजल्स यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, अभी सही समय नहीं है, सही समय पर सारी चीज़ें होंगी। ओके, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है, परफेक्ट टाइमिंग। कार्ड नंबर 3 आपके लिए भी वही कार्ड नंबर 2 वाला मैसेज है कि परफेक्ट टाइमिंग पे चीज़ें होंगी, जब परफेक्ट टाइमिंग होगी तो वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाह रहे हो, बट शायद अभी सही समय नहीं चल रहा है, तो परफेक्ट टाइमिंग को आने दो, उस डिवाइन टाइमिंग को आने दो।
वो आएगी, आपको डेफिनेटली क्लियरिटी मिलेगी, जो आप चाहते हो वो भी मिलेगा, और जो नहीं मिला क्यों नहीं मिला उसका भी जवाब मिलेगा, बट सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग पे होगा। शायद अभी वो परफेक्ट टाइम नहीं चल रहा, या बहुत जल्दी वो परफेक्ट टाइमिंग आने वाली है, ओके? और जिसको हम डिवाइन टाइमिंग भी कहते हैं। ऑल राइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।